हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक। मैं आप सब का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर सिस्टम का फेज वन फेज टू का मैंने अपलोड कर दिया है, उसके बाद आज हम देखेंगे सारा को हम कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे। अभी एग्जाम का डेट अभी आया नहीं है, जैसे ही एग्जाम आता है आपको दो टॉपिक आपको करेंट में करके जाना है एग्जाम में। जैसे आपका सीपीटी वन का रिजल्ट आ जाएगा या ग्रुप डी का एग्जाम आता है तो वहाँ पर आपको ज्योमेट्री यदि आप करेंट में पढ़ के जाते हैं, इसलिए हम ज्योमेट्री और ट्रिगो का अपलोड नहीं कर रहे हैं। सब कुछ रेडी है इसका, जैसे ही एग्जाम का डेट या रिजल्ट आता है आपको सीबीटी वन का, वैसे ही हम ज्योमेट्री का और इसके बाद जो भी बचेगा, जैसे आपका जो कौन कौन एडवांस मैथ का बचा हो, ज्योमेट्री, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन मीडियन मोड, ये हम क्या करेंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारा का वीडियो रेडी है। मतलब सब कुछ रेडी है, सिर्फ वीडियो में नहीं बनाए हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है दोस्तों, उसका वीडियो हम जल्द उसी दिन हम से अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे आपको, ताकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो अभी एग्जाम डेट लेट है, इसी कारण से एडवांस मैथ को हम रोक दिए हैं, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। जब करेंट में पढ़ के जाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगा। फिलहाल आपको हम कुछ ना कुछ कराते रहेंगे और अच्छे टॉपिक ही कराएंगे, जहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और एग्जाम स्कोरिंग चैप्टर हम करा रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएम का पहले ही भी मैंने एक फेज का, पहला फेज का अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसको देख लेना है। उसके बाद फेज टू, हमको लगता है एल सी एम सी एफ का ज़्यादा आपको, मतलब एक दो फेज देखने के बाद है ना, इस टाइप का क्वेश्चन ही आगे भी रिपीट हो रहा था, आप देख लीजिए, इससे ही आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम तो सातों फेज का करवाएंगे, लेकिन दो फेज देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। वह तीन संख्याएं जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका एच सी एफ 7 है, उनका एच सी एफ 7 है। ठीक है, वह तीन संख्याएं ज्ञात की, तो आपको संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए, आपको तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला एक बार हम लिखा देते हैं, फिर आप नोट करके रख लीजिए इसको, आगे दिक्कत नहीं हो। जैसे आपको एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है, इस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, एल सी एम इंटू एच सी एफ बराबर होता है आपको पहली संख्या गुने आपको दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या इसके एक एक ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं, आपको क्या होता है कि एलसीएम बराबर होता है आपको अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा आपको होता है, आपको संख्या जो होता है, अभी जो पूछा क्वेश्चन, संख्या बराबर जो होगा आपको अनुपात जो भी होगा उसको आप एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमको संख्या चाहिए, तो संख्या के लिए आपको क्या चाहिए, अनुपात, अनुपात कितना आपको 3:4 कितना आपको 5 है, इसको क्या कीजिए एस सी एफ से गुणा कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, संख्या प्राप्त होगा। ये कितना हो गया, 7 21 हो गया, 7 4 28 हो गया, 7 5 35 हो गया, 21 28 35, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 20 25 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 30 बचता हो। तो आपको करना कुछ नहीं, सबका एलसीएम निकाल के बाद की बात जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 12 16 20 25 30 है। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम जैसे निकालते वैसे निकाल लेते हैं इसको। ये कितना हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 8 16 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ये आपको 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। फिर दो से करेंगे इसको, ये हो गया 2 3 6 2 4 8 2 5 10, ये 25 हो गया, 15 हो गया। अब फिर कीजिए, आप 3 से कर सकते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 2 2 4 3 12 5 6 60 60 इधर हो गया, अब इधर कितना हो गया, 5 2 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6 2 1200, तो आपका हो गया ये एलसीएम, जो संख्या होगा हमारा वो कितना होगा, 1200 में आप जो शेष बचता है प्रत्येक मामले जो शेष बचता है उसको आपको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा आपको 1203, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1203, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 25 जोड़ने पर 25 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जब जोड़ने या घटाने के बाद संख्या प्राप्त करना होगा, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो 25 घटाना होगा, मतलब 25 घटाने पर 25 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो हमारा संख्या बनेगा यहाँ से दी गई संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस आपका क्या करेंगे, जोड़ने वाला संख्या जो भी होगा, और प्लस कब करेंगे, जब घटाने वाला, घटाने के बाद जब एक को निकालने के लिए कहा जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 25, ठीक है,
36 और 40 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए कितना आएगा, दो बार में दीजिए इसको, ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। फिर किससे लगेगा, दो से लगेगा, ये हो गया 25, दोनों 18 हो गया, ये कितना हो गया आपको 10 हो गया। अब किससे लगेगा, 5 से, 25 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब किसी से नहीं लगेगा, यहाँ से जो हमारा एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, पंचे 100, 9 दूनी कितना हो गया आपको 18, से क्या हो गया आपको एलसीएम हो गया। लेकिन जो हमारा संख्या होगा कितना होगा, 18 में से आपको 25 को क्या करना होगा, घटाना होगा। 1775 इज राइट आंसर इसका, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा आपको 1775, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 48 और 65 का एलसीएम कितना होगा। अब देखिए 48 और 65 किसी संख्या से क्या विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 48 गुना कितना हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा, गुना करके ये कितना हो गया 8 पंजे कितना हो गया आपको 40 हो गया, हासिल कितना हो गया 6 हो गया, 6 का कितना हो गया 48 हो गया, 5 के 20 हो गया, 8 4 2 6 68, 4 कितना हो गया 72, हासिल 7 हो गया, 6 चौक 24, 7 कितना हो गया 3120 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 2781 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा। अब देखिए 27 और 81 का एलसीएम निकालेंगे और 27 और 81 का एचसीएफ निकालेंगे। अब एलसीएम में यदि छोटा संख्या बड़ा को काट दे तो इसको हटा देंगे, यहाँ से मेरा क्या बचा 81, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 27 और 81 का एचसीएफ निकालता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए दोनों को विभाजित कर दे, 27 बड़ा संख्या जो कि दोनों को विभाजित करेगा। अब ये दोनों को कोई विभाजित करेगा, नहीं करेगा, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 81 और 27, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 81 और 27 ऑप्शन नंबर आपका ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पर पावर 45 -1, 3 पर पावर 35 -1 का एचसीएफ कितना होगा। आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में ए पर पावर एन, बी पर पावर एन, एन बराबर यदि आपका विषम संख्या होगा, इसका जो भाजक होता है, भाजक मतलब आपका हो गया भाग देने वाला, कितना हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो मैक्सिमम भाजक चाहिए हमको। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका डाटा, एक है आपको 3 पर पावर 45 -1 और दूसरा डाटा क्या आपको 3 पर पावर 35 -1 है। अब भाजक दो होगा दोनों का सेम, लेकिन दो कहीं पे नहीं है, तो आप क्या कीजिए दोनों जगह आपको क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 5 इसमें भी 5 कॉमन आ रहा, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 गुना 9 माइनस 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 इंटू 7 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका जो भाजक होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों आपको क्या बन गया a माइनस बी बन गया, ये इसका जो भाजक होगा 3 पर पावर -1 हो जाएगा, यहाँ भी 3 पर पावर -1 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आपको दोनों पर बड़ी बड़ी संख्या भाग देने हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 पर पावर 5 -1 कितना हो गया आपको 3 3 9 3 7 3 81 गुना 3 करेंगे 243 में घटा देंगे कितना हो गया 242, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है। तो मतलब पहली 10 प्राकृतिक संख्या कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। आपको अभी पता है एलसीएम इसका निकालना होगा, तो जब छोटी संख्या किसी भी विभाजित करे, किसी को भी विभाजित करे, ये जिसको विभाजित करेगा आप इसकी को हटा दीजिए, दो भी कटेगा हटा दीजिए, 3 भी 4 भी 5 भी अब नहीं कटेगा, कुछ इसको नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से भगा दीजिए इसको, 2 3 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। अब किसी से 3 से, हाँ 3 से देते हैं, 1 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 5 हो गया, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 6 से 43 हो गया, इधर गुने 5 3 15 64 हो गया, गुना कर लेते हैं 0 6 3 12 6 6 24 1 2 20 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:30 है तथा एचसीएफ और एलसीएम का अंतर 493 है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हो कि एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 1:30 कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। अब यदि हम रेशियो को हटाते हैं तो क्या आएगा, ये एक्स आएगा, ये कितना आपको 30x आएगा, दोनों का अंतर बोला है कितना 30x माइनस x बराबर कितना हो गया 493 हो गया।
ये हो जाएगा आपको 29x बराबर कितना हो गया 493 हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, काट दीजिए, एक कहाँ एक 29, हाँ 7 बार में x बराबर कितना हो गया 17 हो गया। अब देखिए x का मान कितना आ गया आपको 17, मतलब एस सी एफ 17 हो गया। एलसीएम कितना होगा, 30 × 17 करेंगे कितना हो जाएगा आपको 7 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणनफल पूछा कितना होगा, एलसीएम इंटू एस सी एफ कितना हो जाएगा आपको, इधर 17 हो गया उधर कितना हो गया 510 हो गया। गुना कीजिए 17 × 17 = 17, 50 × 1 = 86, 86 × 70 ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 पे पावर 2, 6 पे पावर 3 एक संख्या हो गया इसका और इसका एस सी एफ एलसीएम निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ, 8 पे पावर 2 इंटू 6 पे पावर 3 और दूसरा आपको 4 पे पावर 6 इंटू 9 पे पावर 3। आपको बेस को क्या करना है, आभाज संख्या में तोड़ना होगा। हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, गुने 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 होल पावर कितना हो गया आपको 3 हो जाएगा। ये हो गया 2 पे पावर 6 गुने 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3 हो गया। बेस सेम है तो पावर जुटेगा, 2 पे पावर 9 गुना कितना हो गया 3 पे पावर 3 हो गया। यहाँ से एक संख्या बना, अब इसको तोड़ेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 2 6 का कितना हो गया 12 हो गया, 3 पे पावर 2 गुना 3 कितना हो गया 6 हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस को मान लेते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 2 ले लेंगे, इस पर मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर जो होगा वो ले लेंगे, कितना आ गया 12 हो गया गुना यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 मैक्सिमम पावर मतलब हाईएस्ट पावर कितना आपको 6 है, कितना हो गया 3 पे पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हुआ छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3468 से विभाजित होगा। 3468 से विभाजित का मतलब हो गया इसका एलसीएम से विभाजित होगा, पूरी संख्या से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 3 कटेगा 4 कटेगा, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 24 आ जाएगा। इसी 24 से क्या करेंगे, हम भागा देंगे किसमें, 5474 में भागा देना है, कितना बार में लगेगा 24 × 48 हो गया, शेष कितना बचेगा 6, यहाँ हो गया आपको 7, फिर 24 × 48 कर दीजिए कितना बचा 9 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1, 94 हो गया, 24 × 8 = 192 होता है, 192 हो गया, शेष कितना बचा 2। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि 24 से कट रहा नहीं कट रहा, इसमें हम बोला कि हमको जोड़ने के लिए, तो 2 बच रहा, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 24 से कट जाएगा, कितना जोड़ना होगा आपको 22 जोड़ना होगा, तभी आपको ये 24 से कट जाएगा। ठीक है, तो 22 जोड़ना होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का एलसीएम कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स पहले लिख लेते हैं, एक्स का वैल्यू कितना 3² × 2, फिर वाई का वैल्यू कितना आपको 2³ × 3 हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया एक्स इंटू वाई का हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया एक्स इंटू वाई का हो गया। इसके बाद हम आते हैं वाई जेड, वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2³ × 3 × 3, ठीक है, और गुना जेड का वैल्यू कितना 3² × 2 पे पावर 2, ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया आपको एक्स वाई इंटू जेड का। ठीक है, उसके बाद है जेड इंटू एक्स, जेड का वैल्यू कितना आपको 3² × 2 × 2 पे पावर 2 है, और इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आपको 3² × कितना हो गया 2 हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया एक्स इंटू जेड का वैल्यू हो गया। आप सभी को एक जगह कर लीजिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, 3 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, बेस से हमें पावर जुटेगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 × 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आपका एक संख्या बन गया, दूसरा 2 यहाँ 2 है, 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, गुने 3 पे पावर कितना होगा आपको 4 हो जाएगा, ये दूसरा संख्या का हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 पे पावर कितना हो गया 4 और 2 पे पावर कितना हो गया 3 हो गया। हमको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए बेस कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है आपका, मैक्सिमम पावर कितना आपको 3 पे पावर मैक्सिमम पावर कितना आपको 4 हो गया गुने, ठीक है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, 2 पावर मैक्सिमम पावर 5 हो गया, 3 × 3 = 27, 27 + 81 हो गया, 2 × 4 = 8, 8 × 16 = कितना हो गया 32 हो गया। गुना कर लेते हैं इसको कितना हो गया 2 × 8 = 24, 8 × 16, ठीक है, 3 × 3 हो जाएगा, अब देखिए 2 का 2 हो गया, 3 × 3 = 8 × 16 = 19 हो जाएगा, हासिल 1 × 3 = 24, 1 = 25, 2592 ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एससीएफ 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 हो दूसरी संख्या कितना होगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एससीएफ बराबर क्या होता है आपको,
पहली संख्या गुना क्या आपको सेकेंड संख्या होता है, ठीक है। दूसरी संख्या एलसीएम 70 है, एचसीएफ कितना 7 है, एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या को घाट मान लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया 7 × 5 = 35 हो गया, और 14 × 5 कितना हो गया आपको 70 हो गया। 14 आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होगा। 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होगा। दो संख्या है आपको, ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, एल2 इंटू एचसीएफ, दो संख्या का गुणनफल होता है। 18 × 42 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 18 × 2 = 36 हो गया, 18 × 72 = 375, 756 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों का x और x प्लस 1 है, उनका एलसीएम कितना होगा। इसका जो एलसीएम होगा, देखिए कि यदि 5 है अगला संख्या 6 होगा, इसका एलसीएम दोनों को गुना होगा, 6 × 5 = 36 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 3 और 2 लेते हैं कितना हो गया 6 हो जाएगा, 7 और 6 लेते हैं 7×6 = 42 हो जाएगा, मतलब दो लगातार संख्या यदि होगा उसका जो एलसीएम होता है दोनों का गुणनफल होता है, इसलिए इसका एलसीएम कितना होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 36 है, उनमें से एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या कितना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जस्ट बताएं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा आपको, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, ये हो जाएगा 36, हो जाएगा 6, एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या कितना होगा, ये हो गया 12 × 36, 6 × 3 = 18, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20वां गुणज है, 3 का जो 20वां गुणज होगा, 3 का 20वां गुणज कितना होगा, 20 × 3 = 60 होगा, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 6 दिया हुआ है, एक संख्या 12 दूसरी संख्या कितना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना एक संख्या और, 12 × 5 = 60, 6 × 5 = 30, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 51 और 65 का एचसीएफ 51m-85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो एम का मान कितना होगा। तो 51 और 85 का तो एचसीएफ निकालना होगा, कितना होगा आपको, 17 × 51 = 85, नहीं आप किसी से नहीं कटेगा, यही मेरा कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ बराबर आपको 51m-85 लिखा गया, यही एचसीएफ है, बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 51m बराबर कितना हो गया, 17 + 85, 51m बराबर कितना हो गया, 102, ये काट देंगे दो बार में कटेगा, तो m का मान कितना जाएगा आपको, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि 24 और 144 का एचसीएफ 10p + 4, तो पी का मान कितना होगा, तो 24 और 44 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा आपको, आपको 24 ही आएगा, क्योंकि 24 से ये कट जाता है 6 बार में, मतलब दो संख्या बड़ी संख्या आपको 24 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है, एचसीएफ 24 आ गया, तो 10p + 4 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 24 हो जाएगा, 10p + बराबर कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे भाज्य प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ कितना होगा, कंपोजिट नेचुरल नंबर, मतलब भाज्य प्राकृतिक संख्या कंपोजिट नेचुरल नंबर हो गया, और ये आपका क्या हो गया आपको, ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो गया, सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन होगा, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, 4 होगा। इसका मतलब हो कि भाज्य प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका जो 2 या अधिक संख्या से कटे, मतलब 2 से अधिक उसका भाजक होना चाहिए, ठीक है। 4 किससे 4 होगा, तो 4 किससे कटेगा, 1 से 2 से और 4 से, 2 से अधिक है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म को प्राइम है, को प्राइम का नंबर मतलब होता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ आपका कितना होना चाहिए, 1 होगा, वही को प्राइम नंबर कहलाएगा। 14 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा आपका, 7 होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका एचसीएफ 3 होगा, ये भी नहीं होगा। इसका एचसीएफ 13 होगा, ये भी नहीं होगा। इसका एचसीएफ 1 होगा, यही आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।